बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, अहवाल ए हज़ारा के साथ आपका मेज़बान मेहर सेमाब एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, जिस तरह के अहवाल ए हज़ारा में हमने ज़िला हरीपुर में मुख्तलिफ़ इदारों में हमने जाकर मुख्तलिफ़ वहाँ के ज़िम्मेदारान जो थे, जिस तरह की हमने बात की पुलिस महकमे में, इस तरह एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, तो इस दफ़ा हम मौजूद हैं अब्बोटाबाद में। अब्बोटाबाद में हम सबसे पहला हमारा यहाँ पर जो प्रोग्राम है उसमें हम पुलिस महकमा में हम जाएंगे। यहाँ पर मुज़म्मरान हैं, उस हवाले से हम कोशिश करेंगे, DIG हज़ारा से बात करें, इस तरह यहाँ पर क्राइम के हवाले से बात करेंगे, इस तरह और जो मनशियात के हवाले से जो बात है हम यहाँ पर पूछेंगे। यहाँ के ज़म्मरान से हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, जिस तरह के हम अहवाल हज़ारा में बात करते हैं हज़ारा में मसाइल की, इस तरह आज हमारा जो प्रोग्राम है उसका टॉपिक हम अब्बोटाबाद में मौजूद है। अब्बोटाबाद पुलिस के साथ आज हम बातचीत करेंगे कि जिस तरह के यहाँ की लॉ एंड आर्डर के हवाले से, या जिस तरह अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ नारान में, उस हवाले से भी पूछेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DIG हज़ारा मीर वाइज़ नियाज़, जो कि DIG हैं हज़ारा के। तो यहाँ पर वो कब आए हैं और इससे पहले कहाँ रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे और मज़ीद भी बात होगी। सबसे पहले हम पूछते हैं कि यहाँ पर इनका कितना टाइम हो गया और हज़ारे के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे हज़ारा में आए हुए तकरीबन कोई 5.25 महीने हो गए हैं। मैं 27 जनवरी को यहाँ पर आके पोस्ट हुआ था। हज़ारा में आने से पहले मैं FIA में था। तकरीबन कोई 3 साल मैंने FIA में गुजारे, जिसमें मैं साल एक रहा हूँ एज़ जोनल डायरेक्टर खैबर पख्तूनख्वा और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन FIA इस्लामाबाद। उससे पहले मेरी नौकरी जो है वो काफ़ी अरसा मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ और इस्लामाबाद में मैंने डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम किया है, SP के तौर पे भी और SSP के तौर पे भी और DIG के तौर पे भी। और इस्लामाबाद आने से पहले जो मेरा टाइम था वो गुज़रा है पंजाब में। पंजाब में मैंने एज़ SP भी काम किया है, फैसलाबाद में ASP के तौर पे, पिंडी अगेन फैसलाबाद, और UT शिप जो मेरी ट्रेनिंग है वो लिया में रही है। बेसिकली मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और पुलिस में आने के बाद 1-2 डिग्रीज़ मैंने और भी की हैं, जिसमें मैंने 1 डिग्री क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी में की है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से UK, और दूसरी डिग्री मैंने इंटरनेशनल लॉ में की है जो कि स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ UK से, और अब मैं इधर हज़ारे में हूँ। अच्छा सर, आपका ताल्लुक बेसिक के खैबर पख्तूनख्वा से, लेकिन आपकी जॉब पंजाब में रही है, तो अब हज़ारा में आप मेरा ख्याल पहली दफ़ा यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई है, तो कैसे आप फेडरल का अगर यहाँ का मुआवजा हम करें यहाँ के हज़ारा का, तो ज़्यादातर आप पंजाब में रहे, तो हज़ारा के में क्राइम के रेशो के हवाले से और यहाँ के लोगों में और वहाँ पे मतलब होते हैं केसेस को, तो अपना भी एक कल्चर होता है या एक यहाँ की एक सकाफत होती है, तो इन लोगों को मैनेज करना, उन लोगों में क्या डिफरेंस देखते हैं? देखें, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हों तो इस्लामाबाद चूँकि कैपिटल सिटी है और काफ़ी एडवांस है, वहाँ पे इनिशिएटिव्स लेना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी डिफरेंस है यहाँ का और वहाँ का। लेकिन अगर हज़ारा में हम पूरी रेंज की बात करें तो रेंज में अगर हम देखें तो अब्बोटाबाद मेरे ख़्याल में बहुत करीब है जो इस्लामाबाद का कल्चर है उसके, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, फिर हमारा चूँकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, और इसके अलावा यहाँ पे बड़े पढ़े लिखे और ऐसे लोग हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं। फिर आप इसके कंपैरिजन में अगर मानसेरा देखते हैं तो वहाँ पे छोटे बिजनेसेस हैं, हरीपुर आप देखें तो बड़े बिजनेसेस हैं, कोहिस्तान का एक टोटली डिफरेंट कल्चर है। तो कंपैरिजन वाइज क्राइम भी उसी तरह से डिफरेंट है। इस्लामाबाद का क्राइम मैं समझूंगा कि ज़्यादा अब्बोटाबाद के क्राइम की तरह का आप कह सकते हैं, लेकिन जो कोहिस्तान की वहाँ की रिवायात के मुताबिक जो वहाँ पर चीज़ें होती हैं रिवायती है, बहुत ज़्यादा जिरगा सिस्टम है और बहुत सारी पुलिसिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं वो वहाँ पे उस तरह से इम्प्लीमेंटेबल नहीं है जिस तरह से कि अब्बोटाबाद या हरीपुर में हो सकते हैं। तो मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ कुछ इस तरह के हीनस जो क्राइम है वो इतना नहीं है, लेकिन अगर एक क्राइम की मैं बात करूँ तो वो है मर्डर, जो यहाँ पे मौजूद है और उसकी कुछ वजूहात भी हैं। अगर हम कोहिस्तान की बात करें तो वहाँ रिवायती वहाँ पे इस किस्म की सिचुएशन है, और अगर निचले इलाकों की बात करें तो आजकल प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, लोगों के दरमियान प्रॉपर्टी पे तनाज़ात बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उसकी वजह से इस किस्म के इश्यूज़ बन रहे हैं। लेकिन अदर दैन दैट अगर हम बाकी क्राइम की बात करते हैं तो माशाल्लाह ये रीजन जो है इस हवाले से बहुत महफूज है और बहुत अच्छा है। इवन टेररिज्म के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ के लोगों ने कभी भी इस तरह के लोगों को पनाह नहीं दी, ना उनके साथ कोई इस तरह के रवाबत उस्तवार किए हैं। तो बहुत पीसफुल है हज़ारा सर। बिल्कुल लेकिन अभी जो वाक़या हुआ रिसेंटली नारान में, आपने देखा डीएसपी साहब को अभी जो फायरिंग हुई उसमें ज़ख्मी कुछ पुलिस एहलकारान भी थे, तो उस हवाले से बताएं कि यहाँ पर अभी तक क्या सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो वहाँ पर अभी सियाहों के लिए क्या पैगाम है, तो जो हालात वहाँ पर बने तो उस पर आप तो ख़ुद भी गए, आपने देखा कंट्रोल किया, तो क्या कहते हैं उस हवाले से? देखें जो नारान की सिचुएशन थी वो सडनली डेवलप हुई और हम एंटिसिपेट कर तो रहे थे कि थोड़ा बहुत वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होगा, लेकिन जिस लेवल पे वो गया वो ज़रा उस लेवल से ज़्यादा था, क्योंकि इनिशियली हमारी और एडमिनिस्ट्रेशन की इन तमाम लोगों के साथ मीटिंग्स भी होती रहीं और इस बात पे ये एक मैं कह सकता हूँ कि डिसीजन हो चुका हुआ था और फैसला हो गया हुआ था कि दो चार बिल्डिंग्स जो कि बिल्कुल ही वायलेशन की हैं उनको हटाया जाएगा और जो NHA की जुरिस्डिक्शन में थोड़ी बहुत इंक्रोचमेंट है उसको भी हटाया जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है और जो होटल की एसोसिएशन है, इनिशियली जो उससे पहले हमने कागान से लेकर नारान तक जो इंक्रोचमेंट्स हटाई उसमें हमारे साथ थे, पुलिस के साथ भी पूरा तावन था और जिस तरह से ये बाकी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ भी पूरा तावन था। अच्छा सर, यहाँ पर कितने बंदों का अरेस्ट किया गया? सुना 40-50 बंदे वहाँ मुकामी जो लोग थे, तो उस हवाले से बताएं कि उनकी मतलब जमानतें होगी या वो उस पर कार्रवाई हो रही है या तफ्तीश जारी है या छोड़ दिया गया? तो वहाँ पर जिस तरह के नफरी की अगर मैं बात करूँ, ज़ाहिर बात है सियाह तो अब तो एक ऐसी मतलब यहाँ पर सिचुएशन बनी है कि सियाहों को बहुत ही नेगेटिव मैसेज गया। तो अब भी मौजूदा में आप वहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि नफरी काम थी, अभी नफरी बढ़ाई गई है या उसी तरह स्टिल रहेगी? जी देखें, नारान बहुत ही पीसफुल इलाका है और उसमें एज सच इतना कोई क्राइम होता नहीं है। वहाँ पे हमारी एक पुलिस चौकी है और जो सीज़न जब शुरू होता है तो हम वहाँ पे काफ़ी नफरी बढ़ा देते हैं और ये नफरी हम मानसेरे मेन से और बटाग्राम और तोरगर और इन डिस्ट्रिक्ट से क्लोज करके नारान और इन इलाकों में भेजते हैं, कागान शोगरान, ताकि एक तो ट्रैफिक वहाँ पे नॉर्मल चलती रहे और दूसरे अगर कोई छोटी मोटी चोरी चकारी इस किस्म के इंसिडेंट्स हों तो उनकी रोकथाम की जा सके। इस वक़ुए के लिए हमने एडिशनल वहाँ पे कोई 60 बंदा भेजा था, क्योंकि जब मैंने आपको कहा कि जिस तरह से वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और जो उनकी अपनी होटल एसोसिएशन है इनके दरमियान मुज़ाकरात हो चुके हुए थे और हर चीज़ पर फैसला हुआ था, तो इसलिए 60 बंदों से ज़्यादा की नफरी वहाँ पे डिप्लॉय करने की कोई सच हमें तुक भी नहीं नज़र आ रही थी और ना उन्होंने हमें कोई इस तरह की इंडिकेशन दी थी कि वो रेजिस्टेंस करेंगे या कोई इस तरह से रिटेलिएट करेंगे। दूसरा एक रेजिस्टेंस होती है कि जिसमें चले कोई आपके साथ थोड़ा बहुत कोई वहाँ पे मौके पे कोई दस्तों गिरेबां हो जाता है, कोई छोटा मोटा कोई पथराव का इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन जो फायरिंग की गई पुलिस के ऊपर, ये बल्कि सिर्फ पुलिस के ऊपर नहीं, वहाँ पे जितने सरकारी मुलाजमीन खड़े थे, ये तो बदकिस्मती और या मैं कहूँगा कि उन लोगों की खुशकिस्मती है कि निशाना पुलिस वाले बने और हम तो हर वक्त अपना सीना तान के इसीलिए खड़े होंगे कि अगर कोई भी इस तरह का कोई काम करे तो हम सारों को प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा सर, अगर मैं हज़ारा भर की बात करूँ, आइस और मनशियात के हवाले से अगर मैं बात करूं, दिन ब दिन जो यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक गली महलों में बच्चे जो हैं आइस का जो है वो यहाँ पर आदी बन रहे हैं, तो इस हवाले से क्या इकदाम है? क्योंकि देखा जाए अगर रेशो अभी बढ़ती जा रही, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जब जैसे हमें आवाम कंप्लेन करती है कि बहुत ज़्यादा ये, इसके लिए क्या स्पेशली ऐसे वालदैन के लिए या कुछ अवेयरनेस टाइप होगी या कुछ जो थानों की क्या हदायत हैं, क्योंकि ये वबा बढ़ती जा रही है और ये आइस का जो नशा है आम जो नौजवानों में भी मुंतकिल हो गया यूनिवर्सिटी लेवल तक भी? देखिए मैं सिर्फ आइस नहीं, मेरा ख़्याल है मैं जब इधर आया और मैंने इनिशियली क्राइम देखा तो यहाँ पे 2-3 किस्म के क्राइम हैं कि जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं यहाँ की सोसाइटी। इसमें एक तो नशावर जो इस किस्म की अद्वियात हैं जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और एक यहाँ पे है चाइल्ड अब्यूज़ और रेप का जो एक इशू है। चाहे इस पे जहाँ तक बात हम करें अगर आइस की और बाकी नशावर जो चीज़ें हैं, तो मैंने आते ही कोशिश की कि हम इसके ख़िलाफ़ कोई इकदाम उठाएँ, जिसमें हमने अपनी टीमें तश्कील दी, SHOs को हिदायत दी। मैं ख़ुद 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में गया, स्कूल्स में गया, और अभी भी हमारा प्लान यही है कि हम डिफरेंट, क्योंकि फिर कोरोना आ गया और उसकी वजह से स्कूल भी बंद हो गए, यूनिवर्सिटीज़ भी बंद हो गई, तो उस किस्म का वो जो हमारा एक कैम्पेन थी वो रुक गई थी। लेकिन अब चूँकि सारे इंस्टीट्यूशंस फिर से दोबारा इंशाल्लाह खुल जाएंगे और खुल भी रहे हैं, तो हम ये जो कैम्पेन है ये दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा, जो हमारे नए IG साहब आए हैं, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा कदम ये लिया है कि उन्होंने NET के नाम से एक नई टीम तश्कील दी है। ये है नारकोटिक्स एरिडिकेशन टीम, और ये उन्होंने रेंज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिवाइस की है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी पॉलिसी दी है कि इसमें हम उन लोगों को लेंगे जिनका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनका किसी के साथ कभी कोई इस तरह का रब्ता नहीं रहा, कोई ड्रग्स वालों के साथ या कुछ, और ये टीम्स जो हैं ये इन इलाकों में एक्शन लेंगी। दूसरा, उनकी हिदायत के मुताबिक जो लोकल SHO और DSP हैं वो इन टीम्स को असिस्ट भी करेंगे अगर उनको इनकी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरी, जो सबसे मैं समझूंगा कि एक तरह से तादीबी जो इसमें हिदायत है वो ये है कि अगर SHO या DSP इन्वॉल्व पाए गए तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि अगर एक न्यूट्रल टीम एक्शन लेगी और वो इंटरोगेट करेगी और पता चलेगा कि किसी की इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर वो हम में से नहीं है, लिहाजा उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। तो एक तो ये एक नया स्टेप आ रहा है, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये जो इस किस्म की हैं ड्रग्स, इनके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन इस पूरे हज़ारा में लिया जाए। जी नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह आज के प्रोग्राम में हमने DIG हज़ारा मीर वैज़ नियाज़ साहब से बात की, जिन्होंने तफसीलन जो हज़ारा की सूरत हाल थी उससे बताया, जिस तरह ईद-उल-अज़हा भी आने वाली है और रिसेंटली जो नारान में जो वाक़या हुआ उसके बारे में बताया। नाज़रीन, इसके साथ जो है हम आगे जाएंगे मज़ीद। यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ़ जगह का विज़िट करके वहाँ भी हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, अहवाल ए हज़ारा प्रोग्राम में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह के आज अभी हमने बात की DIG हज़ारा साहब से हज़ारा के हवाले से, तो उन्होंने एक बात की कि मंशियात से ज़्यादा जो यहाँ पर ख़तरनाक चीज़ है वो है यहाँ पर, जिसमें जराइम की शरह मैं बताऊँ चाइल्ड एब्यूज़ के हवाले से। इसी हवाले से हम यहाँ पर चाइल्ड एब्यूज़ के हवाले से पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद इश्तियाक साहब, उनसे पूछेंगे। अगर अब्बोटाबाद की मैं बात करूँ तो यहाँ पर चाइल्ड एब्यूज़ के हवाले से कितने केसेस हुए और उसकी रोकथाम के लिए पुलिस क्या कर रही है, तो वही बताएँगे। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। अभी हमारी बात हुई DIG साहब से, तो उन्होंने कहा, जिस तरह हमने उनसे मंशियात के हवाले से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत ही ख़तरनाक, और अगर मैं बताऊं जो कि बहुत ही ये जुर्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हज़ारा भर में, पूरे पाकिस्तान में, लेकिन मैं हज़ारा की हद तक आपसे पूछना चाहूँगा कि इसकी रोकथाम के लिए पुलिस और कोई अवेयरनेस या ऐसा क्या इकदाम हो रहे हैं कि इस चीज़ को भी ख़त्म की जाए, क्योंकि ये लानत भी ऐसी है कि जो कि मंशियात से भी ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैं K2 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और बड़े हसास और बड़े अहम नोयत के नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया है। लास्ट ईयर का अगर मैं आपको रजिस्टर्ड केसेस का बताऊं तो कोई 44 केसेस हमारे रजिस्टर हुए हैं ज़िला अब्बोटाबाद में, जो बच्चियों और बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल के हवाले से थे। जैसा कि आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि इस चीज़ का एहसास करते हुए और इस एहसास नोयत के मामले को देखते हुए हमने अवेयरनेस कैंपेन भी स्टार्ट की हुई थी, जिसमें K2 के प्लेटफॉर्म से हमने काफ़ी डेडी के प्रोग्राम भी किए, स्कूल्स में भी किए, वॉक्स वगैरह भी करवाई। मुख्तलिफ़ स्कूल्स के जो टीचर्स थे उनके साथ भी हमारा वर्कशॉप्स रहीं, मेल फीमेल दोनों जो स्टाफ था उनके साथ भी हमारे 1 डे वर्कशॉप्स रहीं। तो बुनियादी मकसद यही था कि हम उन वालदेन तक ये मैसेज पहुंचा सकें कि उनको अपने बच्चों के हवाले से फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, उनके नज़र रखने की ज़रूरत है, उनको गाइड करने की ज़रूरत है, ताकि जिस रेशो से ये चीज़ें बढ़ रही हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि पुलिस का काम तो स्टार्ट होता है कि आफ्टर कमिटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, लेकिन हो जाता है तो क्या होने के बाद उस फैमिली को हम उस लेवल पे वापस ला सकते हैं? उस बच्चे की जो ज़हनी पोजीशन होती है, क्या उसकी वो रिहेबिलिटेशन हो कि उस नोयत पे वापस लाने के लिए, आपको पता है कितना बड़ा एक एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो हम ये चाह रहे थे कि फैमिली या बच्चा या वो उसका शिकार ही ना बने, उस ट्रामा से ही ना गुजरे। तो इस हवाले से हज़ारा पुलिस ने इनिशिएटिव लिया और डिफरेंट फोरम्स पे भी इसकी अवेयरनेस की। इस वक्त अभी जुलाई तक जो हमारे रजिस्टर्ड केसेस हैं वो भी एक ख़तरनाक हद तक हो चुके हैं, जो 22 हमारे रजिस्टर्ड केसेस हैं। पिछले पूरे साल पूरे 12 महीने में 44 केसेस वो थे जो रजिस्टर्ड हुए हैं, और पता नहीं कितने ऐसे होंगे जो रिपोर्ट पुलिस को नहीं हो सके हैं। सर, जिस तरह आपने बात की 44 केसेस पिछले साल हुए, लेकिन इसमें ये बताएं कि सज़ाएँ कितनी को हुई? देखिए कानून मतलब ज़ाहिर बात है इंसाफ तो वालिदैन को, चलो अब जैसे भी आपने बात की वो तो हो जाता है, उसके बाद पुलिस का काम हो जाता है, एक वाक़या होने के बाद तो उनको इंसाफ या कानून, ज़ाहिर बात है कि उनकी वो चीज़ तो वापस नहीं आ सकती। लेकिन इन लोगों में से कितनी सज़ाएं हुई? क्या समझते हैं कि प्राइवेट विटनेस तो लाजमी है फिर उसके लिए, तो आगे उनकी सज़ाएं कितनी हुई? देखिए चीज़ ये है कि ये जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं इनमें भी बाज़ केसेस ऐसे हैं कि जो काफ़ी टाइम लैप्स करके पुलिस के पास रिपोर्ट हुए हैं। तो डेफिनेटली कुछ एविडेंसेस जो टेक्निकली मेडिकली कुछ चीज़ें हैं, कुछ उसमें भी फ़र्क आ जाता है। पुलिस अरेस्ट भी कर लिया और ऑलमोस्ट तमाम केसेस में बंदे भी अरेस्ट हैं, उनकी जो भी फॉरेंसिक थी, डीएनएस थे या जो चीज़ें भी हैं, अंडर ट्रायल हैं केसेस। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी वसूख से कह सकता हूँ कि हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस हैं। कुछ केसेस में चूँकि 20 दिन 30 दिन बाज़ का था रिपोर्ट किसी वजह से नहीं हुई है, लेट हुए हैं, तो उसमें कुछ एविडेंसेस मिस उनके पार्ट पे ज़रूर हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि अगर केस जेन्युइन है तो उसको कोई एविडेंस मिस ना हो सके ताकि एक स्ट्रॉन्ग केस बना के मतलब आप बिल्कुल आपकी बात सही मैं समझ। लेकिन सर इसमें बताएं कि अक्सर आप डिले होने की वजह वालिदैन भी अक्सर जो है नहीं जाते, फिर ज़ाहिर बात है बात ओपन होती है तो फिर वो मजबूरन आते हैं। तो मकसद केस स्ट्रॉन्ग तब ही होगा कि उसको जैसा वाक़या हो फौरन उनको कंप्लेन करनी चाहिए। और इसके लिए हमने यहाँ पर एक हॉट लाइन एक्सेस दी थी, 1120 का एक लैंडलाइन नंबर लगाया था, ताकि अगर कहीं पे भी कोई रिपोर्ट हो तो फौरी तौर पे उस डेस्क के थ्रू मुतलका SHO तक इतला मिल जाए जो थानों को नहीं बताना चाह रहे या उनके पास नंबर नहीं है। तो एक 4 डिजिट्स नंबर भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया था। बेसिक मकसद यही था कि टाइमली वो चीज़ें रिपोर्ट हों ताकि वो एविडेंसेस पुलिस मिस ना कर सके और केस स्ट्रॉन्ग बने। लेकिन बाज़ केसेस में हमने देखा है, कुछ केसेस हमारे यहाँ पे हैं कि थोड़ा सा जब ट्रायल उसका स्टार्ट हुआ है तो फिर कंप्लेनेंट्स या अदरवाइज़ वन और अदर रीज़न कंप्रोमाइज़ की तरफ राग़ब हुए हैं और उससे भी केस पे भी अफेक्ट पड़ता है। चाइल्ड एब्यूज़ के हवाले से मैं बात करूं तो ये तब ये जराइम रुकेंगे, या जिस तरह के अभी SP साहब ने भी कहा कि इसके लिए केसेस को आपने टाइमली रिपोर्ट करना है, और जिस तरह सज़ाओं की उन्होंने बात की तो बाद में कंप्रोमाइज़ करने से बेहतर है कि आप इस चीज़ पर खड़े रहें ताकि वो ज़्यादती किसी और के साथ ना हो। नाज़रीन, इस तरह हम मज़ीद आगे जाएँगे, यहाँ पर पुलिस महकमा में और किसी और डिपार्टमेंट में जाके बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, बात हो रही है यहाँ पर अब्बोटाबाद पुलिस में, हम मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में गए। इस तरह अभी हमारे साथ मौजूद है SSP हेडक्वार्टर अब्बोटाबाद मलिक एजाज साहब। हम उनसे यहाँ पर जिस तरह के हमने DIG साहब से बात की यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में, यहाँ पर जिस तरह बात हुई चाइल्ड एब्यूज़ की, तो अभी हम यहाँ पर SSP साहब से पूछेंगे कि आजकल अगर देखें तो बाहर से लोग जो यहाँ पर आते हैं जिनके रिहाइश पज़ीर हो जाते हैं, उनको उनकी पहचान नहीं होती क्योंकि ज़्यादातर जो वारदातें होती हैं यहाँ पर लोग रिहाइश पज़ीर हो जाते हैं या होटल्स में या यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगह रिहाइशें इख्तियार कर लेते हैं। तो उसको उसके लिए पुलिस क्या कर रही है? क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर वारदातें होती हैं तो बाहर के लोग मुलव्वस पाए गए, तो क्या ऐसा कोई पुलिस ने इस हवाले से कोई ऐसी भी तरतीब दी या कोई लिस्टें बनाई या आइडेंटिफाई घरों में जाके चेकिंग के क्या तरीक़ाकार है? औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मेहर साहब, एक तो आपको हम वेलकम करते हैं कि चूँकि K2 TV के ऊपर अगर हम दावेदारी करें तो ये बिलोंग टू अब्बोटाबाद है, तो इस पर हम कर भी सकते हैं। लेकिन बड़े अरसे बाद आप आए हैं तो बड़ी खुशी हुई है कि आप माशाल्लाह इसमें पुलिस का व्यूज़ दे रहे हैं और पुलिस को उजागर कर रहे हैं, तो आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन इसमें देखें जी, अगर हम जितनी भी इस पर कार्रवाई करें ना, जब तक पब्लिक हमारे साथ नहीं होगी तो इसमें हम कामयाब नहीं कर सकते। देखें ये मोस्टली हमारे जो क्राइम है ये बाहर के लोग करते हैं, तो जिसमें अफगानी टॉप पर हैं, ये आ जाते हैं जी। आप देख लें कि किसी घर में मकान किराए पर अगर लोकल आप और मेन ले लेना उसकी वैल्यू की 6000 रुपया उसका रेंट बनेगा, लेकिन ये अफगानी आते हैं तो ये देते हैं 60000 रुपया। 60000 रुपये जब देते हैं मालिक मकान को तो वो पूछता भी नहीं है कि भाई कितने बंदे हो, कितने रह रहे हो। उसके अंदर 6-6 फैमिलियाँ होती हैं, छः बंदे नहीं होते, छः छः फैमिलियाँ होती हैं, वो जब छः फैमिलियाँ आती हैं तो उसमें क्रिमिनल भी होते हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है चेक एंड बैलेंस करना है, फिर हमें इन्फॉर्म भी नहीं करते। लेकिन माशाल्लाह इसके लिए हमने हमारे अफसरान ने एक टेनेंट का सिस्टम किया हुआ है, हम जाते हैं सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन करते हैं, इनको चेक एंड बैलेंस करते हैं, तो जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन होती है उससे ज़्यादा हों तो फिर हम इनके खिलाफ मुकदमा भी रजिस्टर करते हैं। लेकिन आपके प्रोग्राम ये चूँकि K2 हमारा अपना TV है, मैं अपने हज़ारेवाल से पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली खुदा के लिए रेंट्स पर मत जाएं। आपके पास जो बंदा आता है तो एक तो फौरी तौर पर उसके थाने में इंदराज कराएं ताकि हमें पता चले जाए, क्योंकि मोस्टली लोग बाहर के आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, अच्छा किराया देकर अच्छी सी बर्दाश्त करते हैं, कोई डकैती करते हैं, फिर पस पेश हो जाते हैं, तो इशू फिर मालिक मकान के लिए बनता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि बाहर के जितने बंदे आते हैं काइंडली आप फ़ौरन फॉर्म करें, ये हज़ारा हमारा अपना है, अब्बोत्ताबाद हमारा अपना है, हज़ारा हमारा अपना है, इसकी हमने खुद ख्याल रखना है, पुलिस हमारी अपनी है, सारे डिपार्ट्स हमारे अपने हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ तावन करना चाहिए, एतमाद करना चाहिए। तो हज़ारा माशाल्लाह ऐसा हमारा यूनियन है कि इसमें कोई क्राइम नहीं है, लेकिन जब से बाहर से लोग आ रहे हैं तो अभी क्राइम की ये जगह बन रही है। बिल्कुल पुलिस के साथ साथ आवाम को भी इसका साथ देना चाहिए। अच्छा सर, अगर मैं मंशियात की बात करूँ पूरे अब्बोत्ताबाद की या इसके साथ हवेलियाँ ख़ास तौर में बात करूँ, यहाँ पर मंशियात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, चाहे वो इस्तेमाल वाले हैं या बेचने वाले हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए पुलिस क्या कर रही है? मेरे साहब ये भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। देखें बात यह है कि आप अगर हमारी तरह पुराने हैं ना, तो हज़ारे में जब लोग सिगरेट पीते थे ये भी छुप कर पीते थे, इसको भी मयूब समझा जाता था। हमारे हज़ारे में एक फैमिली सिस्टम होते थे, लेकिन अभी आप देखें अभी हज़ारा ऐसे है कि खुदा को मैं अपने घर के पास जाता हूँ तो मुझे वो बाहर से लड़के पूछते हैं आप कौन हैं, इतनी ज़्यादा बाहर से लोग आ चुके हैं। तो जिस तरह लोग बाहर से आ रहे हैं इधर खर्चे कर रहे हैं, इनको खर्चे अपने बराबर करने के लिए वो फिर इलीगल काम भी करते हैं। तो मंशियात हमारे हज़ारे में नहीं थी, लेकिन अभी इसमें हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो पेडलर हैं उन पर हाथ उठा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बेचने वाले सर देखें, चले पीने वाले तो जो यहाँ पर बेचने वाले बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अभी इशू जो बन रहा है ना, अभी देखें अल्लाह माफ़ कर, अगर मैं आइस इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं मंशात चरस पी रहा हूँ, तो अभी सिस्टम ये चल गया है कि मैं ले लूँगा जी, आधा किलो लूँगा, मैं खुद भी पीऊँगा, साथ मैंने बेचने का कारोबार भी शुरू कर दिया। नहीं तो आप सर इसकी रोकथाम के लिए अगर जैसे आपके चाहे बच्चे ज़्यादा देखें, अभी यंग जनरेशन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब अब 18 से 20 साल या 15 से 25 साल ये इस एज के लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कैसे रोका जाए इनको? देखें जी मेरे साहब, रोकने का बड़ा आसान तरीका है। जब हम खुद इधर बच्चे थे, जवान हुए, हम फुटबॉल में माशाल्लाह पाकिस्तान टीम में फ़ुटबॉल खेलता रहा हूँ, इंटरनेशनल में प्लेयर हूँ, मैंने 20-25 कंट्री घूमे हैं। उसकी वजह यह थी कि उस वक्त हमारे पास 500 ग्राउंडें थी, ये FF की ग्राउंड, AMC की ग्राउंड, अपना ब्लूज की ग्राउंड हमारे लिए ओपन थी। हम आर्मी के साथ जाकर मैचेस खेलते थे, फ़ुटबॉल का एक जुनून था, लोगों में शौक़ था। अभी आप देखें ना, अभी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बता दूं कि मैं जब पेशावर में शो था कैंपस में यूनिवर्सिटी में, तो मैंने ग्राउंड में देखा एक छोटे सा लड़की और लड़का बैठे हुए थे, तो ऐसे गपशप में इनके पास चला गया, मैंने बोला इधर क्या कर रहे हो, तो उनके छोटे छोटे कद थे, तो एक मुझे कह रहे हैं सर हम MSc के स्टूडेंट हैं, तो वो वुडन बिलीव कि मैं खुद हैरान रह गया हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे, अभी हाइट भी नहीं है। उसकी मेन वजह है कि बच्चे स्पोर्ट्स नहीं कर रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे, बच्चे घरों में बैठे हैं, लैपटॉप्स और ये कंप्यूटर मोबाइल्स। और मैं आपको अच्छी बात बताऊँ, ये मेरे पास जो मोबाइल पड़ा है इसमें अगर कोई कमी बेशी हो तो मेरे बच्चे मुझे ठीक कर देते हैं, हमें नहीं पता, वो हमसे ज़्यादा फास्ट चले गए हैं। तो ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होगी, हमारे बच्चे स्ट्रांग नहीं होंगे, तो ये तो फ्यूचर मुझे बड़ा डर नज़र आ रहा है। अल्लाह अगर हमारी मदद करे तो इसमें बहुत अच्छी बात होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, SSP हेडक्वार्टर मलिक एजाज साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जिस तरह उन्होंने कहा कि मंशियात बिल्कुल अगर वालदैन या पुलिस तो एक काम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ उनके वालदैन को भी चाहिए कि पुलिस का साथ दे, तो तभी ये लानत ख़त्म हो सकती है। जिस तरह के नई जनरेशन जो कि मैं कहना चाहूँगा कि आइस होगी और मंशियात पे ज़्यादा वो इस चीज़ में पड़ रही है, तो बिल्कुल उसमें यही है कि बच्चों को जिस तरह के खेलों पे उसको राग़ब किया जाए। तो जिस तरह आज के प्रोग्राम में हमने यही बात की कि अब्बोत्ताबाद पुलिस के हवाले से जिस तरह DIG साहब से बात हुई, यहाँ पर चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से बात हुई, तो इन सब चीज़ों में रोकथाम के लिए पुलिस के साथ साथ वालिदैन को भी चाहिए अपने बच्चों पर वो नज़र रखें। नाज़रीन, इसके साथ हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है, अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान मेहर सेमाब को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।